हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज आप लोगों से मैं इस संचेरिया प्लांट के बारे में बात करूँगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है और ये एक लीव्स लविंग प्लांट है, कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है दोस्तों। और ये थोड़ा सा विंटर सीजन में ख़राब हो गया था। ख़राब क्या, विंटर सीजन में सभी समर सीजन वाले प्लांट थोड़ा बहुत डल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनके पत्ते उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं निकलते हैं जितना कि अपने सीजन पे निकलते हैं। तो आज मैं संचेरिया प्लांट के बारे में आप लोगों को बताऊँगी, कुछ टिप्स, इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, आप अपने प्लांट को कैसे घना बना सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, उनके जो पत्ते होते हैं, क्योंकि ये एक लीव्स लविंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस प्लांट में ऐसा क्या करना चाहिए जो इनके जो पत्ते हैं वो काफ़ी सुंदर निकले और डार्क ग्रीन कलर के हों, जैसे मतलब निकलते हैं प्लांट के। तो आज मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी। तो ये प्लांट मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ है, इसका मदर प्लांट अलग रखा है, उस साइड पे रखा है वहाँ पे, अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, लेकिन ये मैंने कटिंग से तैयार किया था। तो ये जैसा कि मैंने बताया, एक लीफ लविंग प्लांट है, इसके पत्तों की वजह से हम लोग इसको लगाते हैं, इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं खिलता है, ना ही ये फ्रूट प्लांट है। इसके पत्ते खूबसूरत निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकलते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। मैंने तो कोई इसकी तैयारी नहीं किया है कि ये समर सीजन में हमको इसको तैयार करना है, लेकिन ये अपना काम कर रहा है, मतलब अपनी ग्रोथ शुरू कर रहा है क्योंकि इसका सीज़न आ रहा है। तो मुझे आज ये समझ आया कि आप लोगों को बताया जाए कि संचेरिया प्लांट जो होता है वो, उसमें हम क्या करें फरवरी महीने में, जो ये आने वाले समय में ये प्लांट हमारा और अच्छा हो सके। जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बहुत सारी इसकी केयर बताई है, इसकी कटिंग लगाना बताया है, ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आज आप लोगों को बताऊँगी, अगर आपका प्लांट ऐसा है, देखिए जैसी इसकी हालत है, अगर ऐसा है तो इसको कैसे हम घना बना सकते हैं, इसमें क्या हम क्या इसमें एंटी फंगल डालें और क्या लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो ये प्लांट हमारा जो है काफ़ी और अच्छा हो और घना हो, इसके पत्ते बड़े निकले, इसका जो है ग्रोथ अच्छी हो। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से बताऊँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है, अपना जो भी संचेरिया प्लांट लेना है, जिस गमले में भी लगा हो वो आप ले लीजिए, और करना क्या है। अगर आपका प्लांट इस तरह से है कि टहनी ज़्यादा है पत्ते कम हैं, तो आपको मैंने हमेशा बताया है, आपको अपना कटर उठाना है काटने वाला और उसको काट देना है। देखिए यहाँ से ऐसे हमें तो इसको घना बनाना है ना, उस हिसाब से हमको कटिंग करनी है, इस तरह से काटते जाना है, इस तरह से हम इसके नीचे से प्रूनिंग करेंगे। और सबसे पहला स्टेप होता है प्लांट पे प्रूनिंग करना, कि हमें अपने प्लांट को कैसे प्रून करना है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है, हमें हल्की ही हल्की करने हैं, क्योंकि नीचे से आप देख सकते हैं इनके पत्ते नहीं हैं, केवल टहनियाँ ही टहनियाँ हैं ऊपर से। तो ये सारे टहनी हमें हटा देना है इस तरह से, और देखना भी हटा देंगे तो ये पूरी टहनियाँ और ज़्यादा दिखने लगेंगी, तो हमें सब हटा देना, हमें कोई भी टहनी नहीं रखनी है इसकी, और ज़्यादा अच्छा ये प्लांट हमारा हो इसके लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, इस तरह से हटा देना है थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से काट देना है, ये देखिए। ये प्लांट मुझे इतना ख़राब लगता था कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों से, तो इतना ज़्यादा मुझे ये ख़राब लगता था। मैं सोच रही थी इसका मदर प्लांट भी है, अभी देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एक ये प्लांट है इसका, ये बड़े गमले में लगा हुआ है, यही मदर प्लांट है इस प्लांट का। तो ये नीचे बालकनी में रखा था, आज मैं उठा के लाई हूँ इसको टेरिस पे, तो इसी को मैं थोड़ा ठीक करना चाह रही थी, क्योंकि इसकी हालत मुझे बहुत ख़राब लग रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको देखिए पूरा जो है पूरा मुंडा कर दिया, काट दिया है। और ये इसका मदर प्लांट है, ये काफ़ी अच्छा है, घना है, तो इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा प्रून कर दूँगी, हल्की हल्की करूँगी, सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है।
कि बहुत ज़्यादा घना करने के लिए सबसे पहला उपाय यही होता है कि आप अपने प्लांट को प्रूनिंग कर दीजिए। तो इसमें ग्रोथ हो रही है लेकिन हल्की हल्की इसकी, तब भी मैं प्रूनिंग कर दूँगी इस तरह से। मतलब आपको कितना काटना है ये देखिए, ये वाला मतलब ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 इंच होगा, इतना आपको काटना। अगर प्लांट छोटा है आपका तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ऊपर से काट देंगे इस तरह से, इस तरह से काटना है आपको। हल्की हल्की काटेंगे क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी उतने नए नए पत्ते निकलेंगे और बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ होगी आगे चल के, और ज़्यादा ये घना होगा क्योंकि एक जगह से काटने से वहाँ से कई ब्रांचें निकलती हैं, ये तो आप सबको पता है। तो इसलिए इसको हमें हल्की हल्की ही प्रूनिंग करूँगी, इस तरह से हटा देना है आपको। मतलब जो है ज़्यादा नहीं काटना, हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है आपको। ये मैंने अब इसको पीछे से भी थोड़ा ऐसे ही काट देंगे, हल्की हल्की ऊपर से काटना ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छे से हो सके। आने वाले समय में आपको दिखाऊंगी मैं इसका अपडेट। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छी इसकी जो पत्तियां हैं वो निकलती हैं। और ये मैं 50 रुपीज़ का लाई थी नर्सरी से पिछले साल, 1 साल का हो गया, ये समर सीजन में ही लाई थी। तो ये पूरा मैंने काट दिया है और ये मतलब बहुत कम सनलाइट का प्लांट होता है, फुल सनलाइट में तो नहीं रखा जाता है। यूँ कह लीजिए कि 1-2 घंटे की इसको सनलाइट अगर मिल जाए तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्ते ख़राब होंगे और ये प्लांट भी थोड़ा डल हो जाता है। अब इसमें देखिए प्रूनिंग मैंने कर दिया है, आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की प्रूनिंग किया है। इसमें भी मैं इसमें थोड़ा सा हार्ड किया क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने इसको जो है थोड़ा सा नीचे से काट दिया। लेकिन ये वाला जो मदर प्लांट है इसका, इसका मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काट दिया है। मतलब इतनी छोटी छोटी, ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं काटा है मैंने, ये देखिए छोटी छोटी सॉफ्ट प्रूनिंग किया है। अब करना क्या है, नीचे से इसको ये जो बहुत ज़्यादा इस तरह से गंदगी रहती है ये हटा देना है और थोड़ा सा मिट्टी भी इसकी गुड़ाई कर देना है इस तरह से। जो पत्ते ऐसे मतलब जैसे फटे होते हैं, छेद होते हैं, इस तरह के पत्ते ना कटे, जैसे कीड़े लग जाते हैं, फंगल लग जाता है, तो ये पत्ते भी आपको हटा देना है टहनियों से, इस तरह से हटा देना है। इसमें फंगल भी बहुत जल्दी लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर होता है मिट्टी में इसके, तो फंगल बहुत जल्दी अटैक करता है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी क्या करना है। सबसे पहले अपने प्लांट की सफाई कर लेना है, जो भी पत्ते ख़राब हैं उनको ऐसे तोड़ के हटा देना है। तो ये हो गया, अब क्या करना है, जो मिट्टी है इसकी वो साफ़ करनी है। तो देखिए इसमें एक मनी प्लांट भी निकल रहा है, कहीं एक जड़ आ गई होगी वही निकल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा गुड़ाई कर देंगे इसमें, हालांकि मिट्टी पहले से ही कम है तो मिट्टी निकालना नहीं है, हल्की सी गुड़ाई कर देना है आपको इस तरह से। और इसको पत्ता लगा एक, इस तरह से पत्ते हटा देने हैं सारे जितने भी लगे हैं। अब इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह मैं इस गमले को भी साफ़ कर लेती हूँ। जैसे देखिए ये पत्ते होते हैं ना गीले हो जाते हैं, ये थोड़ा सा जल्दी फंगल पैदा करते हैं। तो फंगल लगने का सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि पत्ते डाल दो खूब सारे उसमें ख़राब। देखिए इसकी रूट्स भी ऊपर आ रही हैं ना, ये देखिए इस तरह से रूट्स अगर आ जाएं तो क्या करना चाहिए, वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो इसकी प्रूनिंग मैं करूँगी लेकिन अभी नहीं करूँगी, अभी मैं जो बता रही हूँ वो आप सुनिए पहले। तो करना क्या है, इस तरह से गुड़ाई कर लेना है आपको, और ये मेरे पास है गोबर की खाद, ये डालनी है मुझे, एक लेयर कम से कम डाल देना है चारों तरफ से, इस तरह से डाल देना है इसके, और बहुत अच्छे से देना है। मतलब इतना मत दीजिए कि ऊपर तक मार पानी डाले तो बाहर निकलने लगे, इतना नहीं देना आपको, लेकिन आपको मतलब अच्छे से खाद इसको देना है, इस तरह से डाल देना है। मतलब 1 इंच कम से कम, पहले से मिट्टी इसमें कम थी इसलिए मिट्टी निकाली नहीं, 1 इंच तक खाद देनी है आपको, तो इस तरह से दे देना है। अब इसमें भी वही करना है, ये देखो
अगर मिट्टी ज़्यादा हो तब आपको जो है मिट्टी निकाल लेनी है थोड़ी सी, तब देना है। तो गोबर की खाद जो लीव्स लविंग प्लांट होते हैं उनके लिए गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है और मैं हमेशा यही डालती हूँ। और आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र में क्या डालना है वो भी मैं बताऊँगी आपको। पहले इसको डाल देती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या डालना है। तो ये मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर से करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये लमसम आधा चम्मच DAP है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। चारों तरफ डालना है आपको, आधा चम्मच ही डालना है केवल। अगर छोटा गमला, ये वाला मेरा छोटा गमला है ना, इसीलिए आधा चम्मच बहुत है इसके लिए। और इस वाले प्लांट में लमसम आपको डालना है 1 चम्मच। तो इस तरह से आपको डालना है, चारों तरफ डाल देना है। ये देखिए इस तरह से दाने दिख रहे हैं, इस तरह से डाल देना है पूरे फिलिंग टाइप में, गोल टाइप में डाल देना है। अब इसको हल्का सा ऊपर से फिर से खाद डालनी है हमें। खाद डाल दीजिए या मिट्टी है मिट्टी आपके पास डाल दीजिए। तो थोड़ी सी मिट्टी मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि पहले से मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा कम है। तो ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। ये मिट्टी मैंने बना के रख लिया था, बहुत सारी रखी थी मैंने उस दिन प्लांट को किया था रिपोर्टिंग, तो रूट्स की प्रूनिंग किया था सॉरी। तो इस तरह से मिट्टी आपको डाल देना है। इसमें भी हल्की हल्की मिट्टी डाल देंगे। पूरा गमला नहीं भरना है, इतना डालना है कि पानी अच्छे से रुके इसमें थोड़ी देर, और धीमे धीमे पानी ये ड्रेनिंग सिस्टम से बाहर निकले, इतना आपको डालना है। अभी ये आपको लग रहा होगा ऊपर तक है, लेकिन जब मैं पानी डालूँगी तो ये नीचे बैठ जाएगी मिट्टी। तो इस तरह से आपको इसको तैयार करना है समर सीजन में और अच्छा बनाने के लिए। किस प्लांट को? संचेरिया प्लांट को। संचेरिया प्लांट जो होता है दोस्तों काफ़ी बहुत सुंदर होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को देख के मैं लाई थी, और मेरा मन कर रहा मैं इस टहनी को भी काट ही दूँ, ये अच्छी नहीं लग रही। नीचे से काटूँ यहाँ से इस तरह से। तो ये प्लांट तैयार हो गया समर सीजन के लिए, और सच मानिए बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मैंने देखा है, मैंने पिछले साल किया था और आप लोगों को बताया भी था शायद, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने इसी तरह इसको तैयार किया था। तो संजेदिया प्लांट आप लोग समर सीजन में फरवरी महीने में क्या काम करना, आपको यही करना है, इसकी गुड़ाई करिए, प्रूनिंग करिए और इसमें खाद डालिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में क्या डालना है आपको, किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग वो डाल सकते हैं हर 15 दिन पर। आप देखिएगा संजेदिया प्लांट है वो काफ़ी अच्छा होगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आपको जो है मतलब इस तरह से आपको तैयार करना है समर सीजन में। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे ये इतना ज़्यादा घना निकलेगा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट निकलेगा। आप लोगों को मैं 15 दिन के बाद इसका अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी, और आप लोग देख के दंग रह जाएंगे कि ये वही प्लांट है जो मैंने इस तरह से तैयार किया है इसको। और इसमें और कोई केमिकल खाद आप यूज़ ना करें तो ही अच्छा है। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप किचन वेस्ट में आपको ध्यान रखना है क्या डालना है, आपको उबली हुई चीज़ें नहीं डालनी है, जो हरी सब्जियां निकलती हैं लहसुन प्याज का छिक्कल, हरी सब्जियां, यही सब चीज़ों का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। वो वीडियो भी मैंने बनाया था, आप लोगों को एक बार बताया था, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वो देख सकते हैं कैसे बनाना है। और हो सकेगा तो मैं इस सीज़न में भी आप लोगों को बताऊँगी बनाना कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो आप लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। आपके सामने मैंने बहुत ज़्यादा कोई खाद नहीं दिया है, केमिकल खाद में बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती दोस्तों, तो इसलिए मैंने केमिकल खाद आप लोगों को नहीं बताया। अब जो प्रूनिंग किया है, जैसे ये कटिंग्स हैं, इस समय समर सीजन में आप लोग इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। देखिए कितनी सारी कटिंग है, अगर मैं चाहूँ तो इनको लगा दूँ तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। इस तरह से कटिंग आप लगा सकते हैं। ये पत्ते बड़े बड़े जो हैं इनको हटा देना है, और इनको सिंपल मिट्टी में भी आप लोग लगाएंगे तब भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी।
इस तरह से तोड़ के आपको इस तरह से मिट्टी में केवल गाड़ देना है, इस तरह से दबा देना है बस। और इसको मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ मॉर्निंग की 2-3 घंटे की सनलाइट इसको मिले, बाकी दिन ये शेडी एरिया में रहे। तो इस तरह से अपने जो है संजेदिया प्लांट को फरवरी में तैयार करें समर सीज़न के लिए। अब इसमें देखिए पानी डाल दिया है मैंने, और पानी डाल के इनको ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे थोड़ा जैसे मॉर्निंग की सनलाइट मिले, उसके बाद इसको मतलब धूप ना ज़्यादा लगे, क्योंकि थोड़ा सा शेडी एरिया का प्लांट होता है ये, और ये काफ़ी खूबसूरत लीव्स निकालता है। तो जब इसकी ग्रोथ होगी तो वो भी मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर इस प्लांट में कोई भी आपको दिखता है एंटी फंगल बहुत जल्दी लगता है ना, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसमें फंगल मिली बग वगैरह बहुत जल्दी लगता है, तो आपको करना क्या है, नीम का फर्टिलाइज़र जो मैंने नीम की पत्तियों को बताया है आपको हर 15 दिन पे अपने प्लांट में डालना है। उससे क्या होगा, इन पत्तियों का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा, और पत्तियों में जो मतलब जो है जो भी फंगल लगता है, मिली बग है और भी जब पेड़ों में लगने वाले कीड़े होते हैं, वो नहीं लगेंगे। आपको नीम का फर्टिलाइज़र बना के डालना है या नीम ऑयल का डाल दीजिए पानी में मिला के। नीम की पत्तियों का सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, उससे पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा आता है और आपका प्लांट भी देखने में काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग अपने प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। तो कुछ ये थी कुछ बातें संजेदिया प्लांट के बारे में, इनकी ग्रोथ के बारे में, इनको कैसे घना बनाना है और इसको कैसे जो है देखभाल करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई मैंने। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो और बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।